तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एंड इस प्रेस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे अगेन मैं आपके लिए एक टेस्ट नेट लेके आ चुकी हूं, जो टेस्ट नेट से यहां पर आपको गारंटेड प्रॉफिट होगा। ये नहीं आप टेस्ट नेट कर दो एंड आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट ये गारंटेड प्रॉफिट होगा क्योंकि ये इंसेंटिवाइज टेस्ट नेट है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। तो फटाफट चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लेना ताकि इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर दो। एंड अभी तक आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी छोटे मोटे ओवरलोड पर गया कोई भी अपडेट आते हैं सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ये कौन सी बोर्ड टेस्ट नेट था जिसके बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर टाइको लिख के मैं सर्च करती हूँ, जैसे ही सर्च करूंगी तो यहाँ पर देख सकते हो टाइको की रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको आपको मिस नहीं करना है क्योंकि इनका जो टेस्ट नेट है वो इंसेंटिवाइज है एंड गारंटेड यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। तो चलते हैं यहाँ पर क्या इनका अनाउंसमेंट हुआ है लेटेस्ट देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पर अल्फा 5 टेस्ट नेट जो है वो इनका लाइव हो चुका है, बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इनके डॉस पे आप चेक कर सकते हो एंड इनका यहाँ पर मिरर पोस्ट मिल जाएगा, इसको भी आप रीड कर सकते हो, सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी मैं डायरेक्ट चलती हूँ यहाँ पर कैसे आपको टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करना होगा वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आपको सी प्लेयर का जो नेटवर्क है इसको आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं ऐड पर क्लिक करती हूँ, मेटामास्क पे कंफर्मेशन आएगा, ऐड कर लेना। देन सेकेंड यहाँ पर आपको ऐड करना होगा दूसरा नेटवर्क, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड नेटवर्क को भी यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड नेटवर्क को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये दोनों नेटवर्क को आपको सबसे पहले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लेना होगा फॉल्सेट, फॉल्सेट का यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर इससे टोकन पर आ जाना है, यहाँ पर आपको फॉल्सेट का भी लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आके आप सिपुलिया का फॉल्सेट क्लेम कर लेना। तो जैसे ये फॉल्सेट का लिंक ओपन होता है देन आपको अपना जो एड्रेस है वो पेस्ट करना है, एम ऑर्डर रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पर सेंड मी डीएस पर क्लिक करना है, देन 0.5 सेकुलर का डीएस आपको रिसीव हो जाएगा एंड यहाँ पर बाकी का भी यहाँ पर आपको जो है लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आप चेकआउट कर लेना, बाकी एक ड्रॉस फॉर्म पर यहाँ पर सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये होने के बाद आपको करना होगा ब्रिज ब्रिज करने के लिए, यहाँ पर लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी डायरेक्ट लिंक। यहाँ पर आने के बाद वॉलेट को सबसे पहले आपको कनेक्ट करना होगा, तो चलिए यहाँ से मैं वॉलेट को कनेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा सिपुलिया का नेटवर्क, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ पर दूसरा नेटवर्क जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर जस्ट इसको ऐसे कर लेना, यहाँ पर स्टॉप कर लेना ताकि यहाँ पर फर्स्ट पे आपको सिपुलिया दिखे, देन नेक्स्ट पे यहाँ पर जोलनर का जो नेटवर्क है वो दिखे। तो देन यहाँ पर आपको ETS सिलेक्ट करना है, बाकी का टेस्टनेट फॉल्सेट भी ले लेना है, बिल हर्स एंड TTKOG ये सारा ले लेना है, सबको ब्रिज कर लेना है। सबसे पहले मैं जो है ETS है मेरे पास उसको मैं ब्रिज करूँगी, तो 0.5 दे देती हूँ यहाँ पर, देन इसको मैं ब्रिज करूँगी। तो ब्रिज पर क्लिक करना, ट्रांजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। तो देख सकते हो ट्रांजेक्शन आ चुका है, इसको जस्ट कंफर्म कर लेना, जस्ट थोड़ी देर यहाँ पर आपको वेट करना है। बाकी जैसे ही यहाँ पर आप ब्रिज हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस भी अपडेट हो गया मेरा, यहाँ पर जस्ट मैं एड्रेस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। देन यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन, यहाँ पर ब्रेस मेरा कंप्लीट हो गया, जैसे ब्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर शो कर जाएगा मैंने 0.5 यहाँ पर ब्रेस कर दिया है। देन यहाँ पर आपको फॉल्सेट पेज पे आना है एंड यहाँ पर आपको सिपुलिया का हर्स टोकन जो है वो यहाँ से आप फॉल्सेट ले सकते हो, जैसे कि हर्स में सिलेक्ट करती हूँ, देन मिंट पर क्लिक करती हूँ, देन यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आ जाएगा, इसको कन्फर्म कर लेना। तो ट्रांजेक्शन आ चुका है, यहाँ पर जस्ट इसको मैं कर लेती हूँ कंफर्म, जैसे ही कंफर्म होगा अगेन थोड़ी देर आपको वेट करना है, देन सक्सेसफुली यहाँ पर हर्स टोकन जो है वो आपका मिंट हो जाएगा सिपुलिया नेटवर्क पे, देन इसको आप ब्रेज कर लेना। तो आ जाते हैं अगेन ब्रेज वाले पेज पे एंड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हर्स एंड सिपुलिया 2, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जुलनर, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद हर्स आपके पास जितना है वो आप सेंड कर सकते हो टोटल, या तो यहाँ पर आप कुछ जो है वो कुछ टोकन सेंड करो, बाकी का होल्ड कर सकते हो। सबसे पहले अप्रूव देन ब्रेज कर लेना, तो देख सकते हो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है, देन मैं ब्रिज पर क्लिक करती हूँ, एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा, इसको कंफर्म कर लेना। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ चुका है, जस्ट मैं इसको कंफर्म कर लेती हूँ एंड थोड़ी देर वेट करती हूँ। तो इस तीनों टोकन को यूज़ करके आप ब्रिज कर सकते हो एंड ये जो टोकन है TTKOG, तो इसको आप फॉल्सेट से ले लेना, यहाँ पर आपको फॉल्सेट देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ से इसको फॉल्सेट ले लेना, देन यहाँ पर इसको ब्रिज कर लेना। तो ये वाला टास्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन हमें करना क्या होगा, यहाँ पर करना होगा स्वैप। स्वैप करने के लिए लिंक मैं आपके साथ डायरेक्ट शेयर कर दूंगी, जैसे यहाँ पर आपको आना है अपने वॉलेट को यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं वॉलेट को कनेक्ट कर लेती हूँ, जैसे ही कनेक्ट कर लोगे देन यहाँ पर आपको टाइको का L2 नेटवर्क सेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो L2 नेटवर्क जो है मैंने बोला अभी, तो उसको सेट कर लेना। देख सकते हो L2 नेटवर्क सेट हो चुका है,
तो देख सकते हो यहाँ पर L2 नेटवर्क जो है वो हमारा सेट हो चुका है। तो ये सेट होने के बाद आपके पास जो भी ETH होगा जो आपने लिया है अभी, तो वो ETH को यहाँ पर आपको स्वैप करना होगा अदर टोकन पे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये सारे टोकन आ जाएंगे। बट फिलहाल मैंने जो ब्रीज किया है वो टोकन अभी तक मेरे पास आया नहीं, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर जाके एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हो ये प्रोसेसिंग पे है, यहाँ पर क्लेम का बटन आ चुका है, यहाँ पर आपको क्लेम भी करना होगा। तो गाइड के हिसाब से यहाँ पर ये जो ETH है वो सबसे पहले आपको क्लेम करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लेम वाले बटन पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर एक एरर मैसेज आपको शो करेगा, देन ऑटोमेटिकली ये टोकन आपका क्लेम हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर बाद इसको ट्राई कर सकते हो, सबसे पहले ETH क्लेम कर लेना, देन हर्स टोकन को आप क्लेम करना जिसमें आपको फीस पे करना होगा। तो ये क्लेम जैसे ही हो जाएगा देन स्वैप वाले पेज पर आना, एंड यहाँ पर जो भी टोकन आपको मिलते हैं एक दो टोकन पर यहाँ पर आपको स्वैप कर लेना है। एंड पूल पे जाके ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करके वो लिक्विडिटी आप ऐड कर लेना, एक दो टोकन सिलेक्ट करना, एंड लिक्विडिटी ऐड कर लेना, थोड़ा सा रिमूव भी कर लेना। तो ये हो जाने बाद आपको करना क्या होगा, जेड के ब्रिज पे आपको ये जो NFT मिलता है इस NFT एक आपको क्लेम करना होगा एंड इसको ब्रिज करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्लेम कर लेती हूँ एक जो क्या है NFT है। तो जैसे यहाँ पर ये क्लेम हो जाएगा देन आपको करना क्या होगा, इसको ब्रिज करना होगा। तो ब्रिज करने के लिए यहाँ पर आपको ब्रिज का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जस्ट यहाँ पर आपको आना है एंड कोई भी नेटवर्क यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर PNB चेन सिलेक्ट करती हूँ, देन इम्पोर्ट NFT पर क्लिक करती हूँ एंड कोई भी एक NFT यहाँ पर मैं चूज़ करती हूँ। सबसे पहले चलो कोई भी नेटवर्क यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, एक NFT यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी एक NFT आप चूज़ कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं एक NFT चूज़ करती हूँ। ये होने के बाद कन्फर्म ब्रिज पर आके जो भी आपके पास NFT होगा देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है टाइको जूनर अल्फा 5 टेस्टनेट जो नेटवर्क है यहाँ पर इसको चूज करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन इसको अप्रूव पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्रूव पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आ जाएगी, इसको अप्रूव करना है। तो जस्ट थोड़ी देर यहाँ पर मैं वेट करती हूँ, देख सकते हो ट्रांजेक्शन आ चुका है, इसको कन्फर्म करना है, देन अगेन थोड़ी देर वेट करना है, देन यहाँ पर ट्रांसफर का बटन आपके सामने शो कर जाएगा। तो ट्रांसफर का बटन अभी आ चुका है, जस्ट ट्रांसफर पर आपको क्लिक करना है, अगेन ट्रांजेक्शन आ जाएगा, इसको कन्फर्म कर लेना है। जैसे ही कन्फर्म कर लोगे तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ये जो ब्रिज वाला टैक्स है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या होगा, जो भी आपने टैक्स अभी कंप्लीट किया है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो मिलता है यहाँ पर गैलेक्सी पॉइंट, इसको आपको क्लेम करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, जैसे आप ब्रिज कर लोगे देन यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेना, ये मैनुअली अपडेट होगा, देन इसको आप क्लेम कर सकते हो, देन रीट्वीट कर लेना, फॉलो कर लेना, दैट्स इट। ये वाला टैक्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन एट द एंड आपको क्या करना होगा, डिप्लॉय करना होगा। डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ जस्ट, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे यहाँ पर आप डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर डिप्लॉय कॉन्टैक्ट पर आपको आ जाना है एंड यहाँ पर रिमिक्स आप चूज कर लेना, यहाँ पर लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जस्ट यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आने के बाद जस्ट कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टोरेज सोल्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा। देन जस्ट यहाँ पर आपको कंपाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर आप चेक कर लेना है यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है यहाँ पर वो सही है या गलत है। देख सकते हो नेटवर्क अभी गलत है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ नेटवर्क को सबसे पहले यहाँ पर मैं चूज कर लेती हूँ, यहाँ पर ये वाला नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना है टाइको, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ टाइको जोलनर L2 जो नेटवर्क है इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ पर आपके पास ETH भी होना चाहिए। देन कंपाइल पर क्लिक करके कंपाइल कर लेना, डिप्लॉय पर क्लिक करके डिप्लॉय कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर कैसे आपको करना होगा। ये हो जाने के बाद आपको एट द एंड यहाँ पर आपको फीडबैक फॉर्म फिल कर देना है, दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा यहाँ पर टैक्स है नहीं करने को, बस इतना करना होगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिज पे प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर क्लेम वाले पे, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर आपको इनके जो गाइड मिलता है यहाँ पर इस वीडियो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्लेम हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट यहाँ पर आपको नेटवर्क को स्विच करना है, देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क को स्विच होगा, देन आप जैसे ही क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ एरर शो करेगा आपको, देन यहाँ पर आपका जो ETH है वो यहाँ से क्लेम हो जाएगा। देख सकते हो नेटवर्क स्विच हो चुका है, जैसे ही यहाँ पर क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ एरर शो किया है, देन यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली आपका क्लेम हो गया। तो इसको आप बार बार ट्राई करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाला आपका क्लेम हो जाएगा। जैसे ही क्लेम हो जाएगा बाकी का टैक्स आप आगे का कर सकते हो। तो वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को अपने तरफ से लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम प्लस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।